कांग्रेस के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विवेक ठाकुर और उनके साथी द्वारा आज बेतवा नदी के पुल के गड्ढों को भरने का अभियान चलाया। अपने स्तर पर रेत और सीमेंट लेकर इन गड्ढों को भरने का काम किया। विवेक ठाकुर ने कहा कि इन गड्ढों की वजह से किसानों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है, गुजरने वाले यात्रियों को भी यहाँ दिक्कत होती है, आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। सबसे अहम बात है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसी रास्ते से अपने वेयरहाउस पर जाते हैं, लेकिन इन गड्ढों पर उनकी नजर नहीं गई। हम गड्ढों को भरकर विरोध कर रहे हैं और शासन प्रशासन से अपील करते हैं कि आगे के अन्य गड्ढों को वे भरने का प्रयास करें। पीपलखेड़ा विदिशा से धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा भरा जा रहा है। देखिए क्या है, ये विदिशा के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और आप भी जानते हैं, ये जो रोड है, ये पुल है, इस पुल से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के मुखिया हैं, इस वक्त मुख्यमंत्री हैं, उनकी डेयरी के लिए, उनके फार्म हाउस के लिए रोड जाता है और यही अशोक नगर हाईवे के लिए जाता है। सारे हाईवे यहाँ से निकलते हैं। जब उस पुल की हालत ये है, जिसमें से सरिये निकल रहे हैं, गड्ढे हैं, लोगों को परेशानी आती है, उसके बाद अभी तक प्रशासन की उदासीनता के कारण नगरपालिका पीडब्ल्यूडी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो उसी को आकर हमने इन सबको देखकर हमारे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, छोटे भाई बड़े भाई साथी, हम सब लोगों ने मिलकर शायद प्रशासन को कुछ समझ में आ जाए, इसलिए आज हमने ये गड्ढे भरे हैं। किसान है तेजी सरकार है और कृषि प्रधान जिला है, यहाँ से किसान अपने अनाज लेकर जाते हैं और गड्ढों वाली सड़क से होकर गुजरते हैं, तो किसानों के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए मैं बताऊँ आपको, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाईं, बहुत कुछ किया, लेकिन किसानों की क्या हालत है आपको पता है। और ये जो रोड है, इधर से जो किसान निकलते हैं उनको इतनी परेशानी होती है कि हम आपको बता नहीं सकते, बयां नहीं कर सकते। आप ये देखिए कि गड्ढे जिनमें से सरिये बाहर आ रहे हैं, कई लोगों के इधर एक्सीडेंट भी हो चुके हैं, कई लोगों की गाड़ियाँ पंचर भी हो गए, उसके बाद भी प्रशासन ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, जिसको लेकर आज हम लोगों ने एक शांतिपूर्ण तरीके से इन गड्ढों को भरा है कि शायद हमारा काम देख के प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री तक ये मैसेज पहुंचे और वो शायद इस आगे जो गड्ढे हैं उनकी मरम्मत करा दें। कृषि उपज मंडी रामलीला रोड की दुर्गति है काफ़ी समय से। देखिए मैं आपको बताऊं, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब बाहर गए थे तो उन्होंने कहा था कि पेरिस है मेरा विदिशा, इसलिए हमने एक बोर्ड बनाया हुआ है पेरिस का, ये विदिशा पेरिस है। जब विदिशा पेरिस की जो हालत है तो आप ग्रामीण क्षेत्रों में देख सकते हैं और रामलीला मंडी सारी स्थिति आप देख सकते हैं, पूरा क्षेत्र जो है वो धूल से और गड्ढों से भरा हुआ है। ये है विदिशा का पेरिस। बहुत बढ़िया।